हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका आज यहाँ पे आने के लिए और कुछ मौका दिया है भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। तो मैं भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक पे आधार पर चर्चा करूँगा। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्तमहंकारान् न श्रोष्यसि विनंश्यसि। भगवान कहते हैं कि आप अगर मेरी चेतना में रहोगे तो जो भी समस्या आएंगे उसके आप परे जा सकते हो, और यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो आप गुमराह हो जाओगे। तो मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा कि नो प्रॉब्लम इज टू बिग फॉर गॉड और टू स्मॉल फॉर गॉड, कि भगवान के लिए कोई भी समस्या बहुत बड़ी भी नहीं है और कोई समस्या बहुत छोटी भी नहीं है। बहुत बड़ी मतलब कि इतनी बड़ी समस्या है कि भगवान उसका हल नहीं कर सकते, और इतनी छोटी समस्या मतलब कि भगवान उसकी परवाह नहीं करते। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। साधारणतया इस भौतिक जगत में हम सदैव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे लगे रहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सोचता भी है तो वो सिर्फ इसलिए सोचता है कि शायद भगवान मेरी इच्छा पूर्ति में कुछ मदद कर देंगे मेरी। एक बार एक व्यक्ति वो लॉटरी का टिकट लिया उसने, और वो लॉटरी थी 1 करोड़ रुपए की। तो फिर उसने कहा, वो मंदिर में गया और भगवान से कहा, हे भगवान अगर मुझे टिकट मिल गया तो मैं 50% आपको दे दूंगा, 50 लाख आपको दे दूंगा मैं। तो फिर वो प्रार्थना कर रहा था और उतावला था कि क्या टिकट का रिजल्ट क्या होगा, और जब वो टिकट का रिजल्ट निकला तो उसको प्राइज मिला था और बड़ा खुश हो गया वो। और फिर तभी देखा उसने कि उसको सेकेंड प्राइज मिला था, सेकेंड प्राइज था 50 लाख। तो फिर वो मंदिर में गया, बोला भगवान आप तो बड़े बुद्धिमान निकले, अपना हिस्सा पहले ही ले लिया। तो जब हम भगवान को सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का एक मार्ग देखते हैं तो फिर क्या होता है, तो जैसे कोई व्यक्ति धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो फिर उसमें व्यक्ति चालाकी करके जितना ज़्यादा पैसा कमा सके, जितना कम काम कर सके वैसा देखने का प्रयास करता है। तो उसी तरह से भगवान की जगह कोई पूजा भी करता है तो उसमें कितना कम मुझे कुछ देना पड़े और जितना ज़्यादा प्राप्त हो वो भाव रहता है। तो साधारणतः जब हमें कोई इच्छा पूरी करनी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, या हमारे जीवन में कोई समस्या आ गई है, तो उन दोनों का हल करने के लिए हम अधिकांश लोग भगवान के पास जाते हैं। और जब भगवान के पास जाते हैं तो फिर साधारण भाव क्या होता है कि अभी मुझे ये समस्या है, मुझे ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है या समस्या का हल नहीं हो रहा है, तो अभी मेरे पास ये शक्ति नहीं है इसको पूरा करने का, तो इसीलिए हम हमसे शक्तिमान किसी और व्यक्ति के पास जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होगा, उसको वज़न उठाना है, उठा नहीं पा रहा है वज़न, तो फिर अपने माता पिता के पास से पिताजी को बोला कि आप ये वज़न उठा दो मेरे लिए। उसी तरह से अभी शक्ति अलग अलग दृष्टि से हो सकती है, हमारे जीवन में कुछ बीमारी आ गई है, कुछ हमारी नौकरी अस्थिर हो गई है, हमारे परिवार में संबंध अच्छे नहीं चल रहे, सारी समस्याएँ हम अपनी क्षमता से उसका हल करने का प्रयास करते हैं। पर जब हल नहीं होता है तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको लगता है कि ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसका हल मैं खुद नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे वे भगवान के पास जाना चाहिए। जब ऐसे भाव से हम जाते हैं भगवान से के पास, तो उस समय हम हमारा भाव होता है कि मैं यहाँ पे हूँ, ये समस्या इतनी बड़ी है पर भगवान इतने बड़े हैं और इसीलिए मुझे भगवान के पास जाना है। पर कभी कभी क्या होता है कि वो समस्या हमारे मन में इतनी बैठ जाती है कि हमको लगता है शायद ये समस्या भगवान से भी बड़ी है, ये समस्या इतनी बड़ी है कि भगवान भी शायद इसका हल कर पाएगा कि नहीं, पता नहीं मुझे। तो 7वें स्कंद में
श्रीमद् भागवतम के एक असुर का वर्णन आता है. किसी को पता है कौन सा असुर है सातवें स्कंद में भागवतम के? हिरण्यकशिपु. तो अभी हिरण्यकशिपु उनके परम भक्त कौन थे? प्रहलाद. और हिरण्यकशिपु का प्रतिद्वंद्वी कौन था? विष्णु थे, पर उन्होंने किसका राज्य? इंद्र का राज्य उन्होंने छीन लिया था. तो अभी जब भगवान नरसिम्हदेव आते हैं और फिर हिरण्यकशिपु को का भी उद्धार कर देते हैं. मुंबई में एक भक्तों का एक हॉस्पिटल है, भक्तिवंत हॉस्पिटल, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में नरसिम्हदेव का पिक्चर लगाया हुआ है और वो हिरण्यकशिपु का शरीर जो है फाड़ रहे. तो फिर एक बार एक ऐसे भक्त थे जो भक्त नहीं थे, वो आए थे वहाँ पे, ओ ऑपरेशन थिएटर में ये क्या पिक्चर है? बोले ये पिक्चर है, डॉक्टर को होता है ये ओरिजिनल ऑपरेशन है. और ऑपरेशन का क्या फल हुआ फिर? बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट लिबरेटेड. तो ऑपरेशन यशस्वी हो गया और जो पेशेंट था मुक्त हो गया, वो मुक्त हो. तो यह भाव है कि वह भगवान जब किसी का वध भी करते हैं तो उसके द्वारा भी उसका उद्धार कर देते हैं. तो पर जब इसे हिरण्यकशिपु जो सीन से निकल गया तो उसके बाद में अलग अलग देवतागण आके प्रार्थना कर रहे थे. तो तभी इंद्र ने एक प्रार्थना की. और ये जो प्रार्थना है, कभी वही संस्कृत में होते हैं अगर पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये सब प्रार्थना चल रही है, उनका भाव क्या है उतना समझना होता है भी. तो इंद्र क्या कहते हैं प्रार्थना में? हे भगवान, हम सब सुर है, हम सब धर्म का पालन करते हैं, पर ये हिरण्यकशिपु इतना खतरनाक था, वो इतना जुल्म करता था कि उसके भय के कारण हम धर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे, उसके भय के कारण हम आपकी स्मृति नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे स्मृति में वो ही बैठा था. तो अभी आपने उसको निकाल दिया है, तो अभी हम शांति से आपकी स्मृति करके आपकी भक्ति करेंगे. इसके विपरीत प्रहलाद महाराज की प्रार्थना देखते हैं हम, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सदैव मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं. से प्रहलाद महाराज कभी उनकी सारी इतनी लंबी प्रार्थना, लगभग 40 श्लोक है उनकी प्रार्थना के, कहीं भी वो कहते नहीं है नरसिम्हदेव से, हे भगवान, हिरण्यकशिपु मुझे इतना परेशान किया था उसके कारण मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा था, अभी आपने हिरण्यकशिपु निकाल दिया तो मैं आपकी भक्ति करूँगा. नहीं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ. और वो अगर उनका जीवन भी देखते हैं प्रहलाद महाराज का, तो प्रहलाद एक बालक है भी, फिर भी वो कभी इतने हिरण्यकशिपु से भयभीत नहीं हुए कि वो विष्णु की स्मृति छोड़ दी उन्होंने, वो हमेशा विष्णु की स्मृति करते. तो अभी ये फर्क क्यों हुआ कि इंद्र विष्णु की स्मृति नहीं कर पाए, जा इसके विपरीत प्रहलाद विष्णु की स्मृति कर पा रहे थे? क्यों? क्या? क्योंकि सकाम भक्त है. अच्छी बात है. सकाम भक्त का मतलब क्या है? सकाम भक्ति का कि अभी जो चीज़ें होती है वो हमको जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी नहीं दिखती है. हमारे आसक्ति या हमारे ज़रूरत के अनुसार वो चीज़ हमको बहुत बड़ी लगती है या बहुत छोटी लगती है. मनोवैज्ञानिकों ने अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने लगभग 500 लड़कों को, छोटे बच्चों को, एक डॉलर का चित्र बनाने को बोला. और उन्हें देखा कि जो लड़के अमीर घरों से थे और जो बच्चे गरीब घरों से थे, तो जो गरीब घरों से थे उन्हें सब डॉलर को और बड़ा बना दिया, जो चिन्ह बनाया था जितना साइज था उससे और बड़ा चित्र बना दिया. और जो अमीर थे उनको पैसे की इतनी परवाह नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, तो उनका छोटा बनाया था. तो क्या है, जो चीज़ें होती है वह उनका मन में हमारा चित्र बनता है, वह चित्र जो बनता है वो चीज़ कितनी बड़ी है उसके आधार पर नहीं बनता है, वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है,
या हम उससे कितने आसक्त हैं, उसके अनुसार वो उस चीज़ की छवि हमारे मन में पड़ती है। तो अभी जो व्यक्ति, जैसे आपने बताया सकाम भक्त है, सकाम भक्त मतलब क्या है कि उनके लिए ये जगत और जगत की चीज़ें, जगत का भोग वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसकी छवि उनके मन में बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। और भले ही भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान को मानते भी है वो, पर भगवान की छवि उनके मन में उतनी बड़ी नहीं होती है। और इसीलिए अगर कुछ समस्या आ जाती है तो वो समस्या भगवान से भी बड़ी लगने लगी होती है। और तभी क्या लगता है कि अरे भगवान इस समस्या का हल कर पाएंगे कि नहीं। अभी एक ज्यूइश रबाय थे, ज्यूइश प्रीस्ट थे, वो उन्होंने एक किताब लिखा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तभी क्या है, जो अब्राहमिक धर्म जो है उनमें, जो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म आदि जो धर्म है, इनमें पुनर्जन्म को अभी वो मानते नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में पुनर्जन्म का थोड़ा बहुत उल्लेख है पर वो मानते नहीं है। इसीलिए किसी व्यक्ति के साथ बुरा क्यों हुआ है, वो पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए हुए, ये उनको समझ नहीं होती है। तो ये कुछ हैरल कुछ नाम का ये जो रबाय था, उसने ये ग्रंथ लिखा कि क्या है कि वास्तव में अगर भगवान अच्छे हैं तो हमारे जीवन में बुरा क्यों होता है। तो उसने एक तर्क निकाला कि वास्तव में भगवान बड़े हैं पर शैतान भी बड़ा है, और कभी कभी शैतान भगवान को हरा देता है। और जब शैतान भगवान को हरा देता है तो तभी भगवान चाहते हैं हमारी सुरक्षा करने की, पर भगवान कर नहीं पाते। तो भगवान सबका हित चाहते, सबके हित चिंतक है, पर भगवान सर्वशक्तिशाली नहीं है। तो उसका किताब का भाव क्या था कि अगर हम भक्ति करते हैं पर भगवान पर फिर भी हमारे जीवन में समस्या आती है, तो ये भगवान के भगवान के पास शक्ति नहीं है हमें सुरक्षा करने के लिए, इसीलिए हमें भगवान को माफ कर देना चाहिए। सो इंग्लिश में कहावत है, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। हम गलती करते हैं, भगवान हमें माफ करते हैं, पर इसने क्या उल्टा कर दिया, भगवान गलती करते हैं, हम उनको माफ कर देते हैं। अभी ऐसा भाव क्यों आया, क्योंकि ये जो जब पुनर्जन्म का विचार नहीं है, आत्मा और आध्यात्मिक जगत का स्पष्ट समझ नहीं है, तो क्या होता है, वो व्यक्ति सोचता है कि ये दुनिया और दुनिया की समस्याएं बहुत बड़ी है, और ये समस्याओं का हल अगर भगवान नहीं कर पा रहे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान उसका हल नहीं हो रहा है, मतलब भगवान के पास शक्ति नहीं है इसका हल करने के लिए। किन कम हेड, आप सब यहाँ पे आ गए सकते जी, तो आप भी आ जाओगे। तो जब हम सोचते हैं, जब हम ये दुनिया से बड़े आसक्त होते हैं, तो फिर क्या होता है, हमको लगता है कि कभी ये दुनिया भगवान से भी बड़ी है, और दुनिया के चीज़ें भी भगवान से महत्वपूर्ण हैं, दुनिया की समस्या भी भगवान से बड़ी है। और उसके कारण कभी कभी हमारे भक्ति में व्यत्यय आ जाता है कि हमें लगता है पहले मुझे समस्या सुलझानी बाद में भक्ति करनी है। तो अभी जब ऐसे हो जाता है तो फिर हमें तत्वज्ञान ज़रूरी है। कैसे होते हैं कि एक हम सांस्कृतिक भक्ति कर सकते हैं, एक बौद्धिक भक्ति कर सकते हैं, और एक आध्यात्मिक भक्ति कर सकते हैं। अभी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक में एक काफ़ी हद तक समानता है। सांस्कृतिक भक्ति मतलब क्या है कि हमारी संस्कृति ही है, हमारे बुजुर्गों ने भक्ति की थी, हमारे परिवार वाले भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हम भी मंदिर में आते हैं, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, ये सांस्कृतिक स्तर पर भक्ति है, संस्कृति इसलिए भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। पर क्या है, अगर तत्वज्ञान नहीं है, बौद्धिक स्तर पर समझ नहीं है, तो फिर अगर भक्ति करते समय अगर कुछ समस्या आ गई जीवन में, व्यक्ति को लगता है मैं भक्ति कर क्यों ना होगी, भगवान तो समस्या का हल नहीं कर रहे, प्रार्थना करने से भक्ति करने से कुछ हो नहीं रहा है, फ़ायदा क्या है भक्ति का। तो बौद्धिक स्तर पर अगर हम होते हैं तो हमें क्या समझता है कि अगर शास्त्रों के आधार पर समझते हैं कि शास्त्रों ने बताया ही है कि ये जग जो है क्या है, दुखों से भरा हुआ है। क्या श्लोक है भगवद गीता का, वो
दुखालयम शाश्वतम. ये जग जो है ये दुख से ही भरा हुआ है. तो अगर कोई व्यक्ति को तत्वज्ञान पता नहीं है, उसके जीवन में दुख आते हैं, बोलते हैं भगवान मेरा संरक्षण नहीं कर रहे, क्या फ़ायदा है भक्ति करने का. पर अगर किसी तत्वज्ञान पता है तो व्यक्ति को लगता है अरे भगवान ने शास्त्र में बताया वो सही है. तो दुख भी आते हैं, दुख से शास्त्रों में श्रद्धा बढ़ जाती है. शास्त्रों ने बताया वही सत्य है. अभी जब विश्वभर में अभी प्रचार करता हूँ, अमेरिका में, कनाडा में, आदि आदि में, तो कई बार कोई व्यक्ति जब लोग बात करने आते हैं तो पता चलता है कि कोई भी इस दुनिया में सुखी नहीं है. मैं अमेरिका में डैलस में था और वहाँ पे जो मंदिर है उसके सबसे बड़े पैटर्न जो है वो एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ है. तो उन्होंने बाकी जो अपने ही इस तरह के सीईओ थे उन सब के लिए उनका सबका एक छोटा प्रोग्राम बनाया था. कुछ 10-15 सीईओ आए थे और फिर वो सब एक दूसरे को जानते थे तो सब अपने हृदय से बात कर रहे थे. और कोई बता रहा था कि मेरा बेटा है वो ड्रग एडिक्ट हो गया है. कोई बता रहा था कि मेरी बेटी जो है वह बहुत डिप्रेशन में है. एक बता रहा था कि उसका बेटा था उसने अभी सुसाइड कर दिया था. एक बता था कि उसके एक कोई व्यक्ति था बता रहे थे कि उनकी पत्नी जो है कैंसर है टर्मिनल. और जो इस सब बता रहे थे कि अभी हम सब हमारे जीवन में मार्ग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आवर वे. अभी दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी बना ली है, बड़े बड़े महलों जैसे घरों में रह रहे, बहुत नाम है उनका, बहुत समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है. पर करीब में जाओगे तो वास्तव में कोई भी सुखी नहीं है. तो अभी क्या होता है, ये जब हम दुखालय कहते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि जब दुखालय तुम दुखी रहो. नहीं, वो भाव नहीं है. उसका भाव ये है, भगवान जब कहता था ये दुखालय कि ये जगत एक अस्पताल के समान है. अभी अस्पताल में दर्द तो होगा ही, अस्पताल में लोग हैं इसलिए कि बीमार हैं. पर अस्पताल का उद्देश्य ही नहीं कि लोगों को दर्द देना. फर्क है इसमें. डिस्ट्रेस इज अ फीचर ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रेस इज नॉट द पर्पज ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में दुख है पर दुख ये जीव दुनिया का उद्देश्य नहीं है. ये दुनिया का उद्देश्य क्या है कि जैसे अस्पताल का उद्देश्य होता है कि दुख है, दर्द है, पर दर्द का निवारण करें. जो श्लोक अभी हम बताए दुखालय शाश्वत, उस श्लोक का भी अगर आप विश्लेषण करते हैं, उस श्लोक का भाव क्या है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. तो भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करेंगे वो इस जगत जो है दुखालय शाश्वत इस जगत में नहीं आएंगे, पर वो मेरे धाम पुनः नहीं आएंगे, पर वो मेरे धाम की प्राप्ति कर लेंगे. मतलब भगवान इस बात पे जोर नहीं दे रहे कि जगत दुखालय है. ये तो बात सही है, ये तो बात सब एक इस तरह से बता रहे कि सर्वज्ञ बात है कि दुख तो है इस जगत में, पर अगर आप भक्ति करोगे तो आप इस दुख जीवन के परे आ सकते हो. तो ये श्लोक का भाव कैसे है कि कोई डॉक्टर बताता है किसी मरीज को कि रुग्ण को कि अगर आप ये दवाई लोगे तो आपको ये दर्द पुनः परेशान नहीं करेगा. तो अभी आप दर्द में हैं, ये बात इम्प्लिसिट है, इस बात पहले से स्वीकृत है ये. तो कई बार क्या होता है, लोग इतना पेन किलर ले लेते हैं कि उनको दर्द महसूस नहीं होता. तो आजकल के जीवन में संस्कृति में जो इतना सारा मनोरंजन है, वो क्या है, एक प्रकार का पेन किलर है. और ये मनोरंजन इतना लग जाता है मन उसमें कि हमको लगता है कि दुख नहीं है. दुख तो है पर मनोरंजन से कुछ समय के लिए हम दुख को भूल जाते हैं. वो एक पेन किलर के समान है. पेन किलर से दुख का निवारण नहीं होता है, दुख की सिर्फ भूल हो जाती है, दर्द की भूल हो जाती है. उस तरह से मनोरंजन है वह क्या है, उससे सिर्फ हम दर्द को भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, पर दर्द वापस होने लगता है, जब दुख हो जाता है वापस आ जाता है. तो भगवान ये नहीं कह रहे कि ये जगत दुखी है आप दुखी रहो, पर ये जगत दुख है जगत में आप भक्ति करो और इसके परे जाओ. तो अभी अगर मैं बता रहा था कि
अगर हम सांस्कृतिक स्तर पे भक्ति कर रहे होते तो क्या होता है, हमें लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये दुख क्यों नहीं जा रहे मेरे जीवन से। पर अगर हम बौद्धिक स्तर पे शास्त्रों के आधार पर समझते हैं तो दुख अगर आता है तो हमें लगता है शास्त्र ने बताया जो सही है। पर शास्त्र ये भी बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भले ही समस्या चले नहीं जाए, समस्या के परे हम ऊपर उठ सकते हैं। हमारे चेतना में जब हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो क्या होता है, भले ही समस्या क्यों ना हो, हमारी चेतना ऊपर उठ जाती है, हमें वो समस्या से अंदर से राहत मिलती है। इंग्लिश में दो शब्द है होते, रिलीफ, रिलीज फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड रिलीफ अमिडस्ट प्रॉब्लम्स। रिलीज फ्रॉम प्रॉब्लम मतलब समस्या से छुटकारा हो जाना, रिलीफ अमिडस्ट प्रॉब्लम मतलब समस्या होते हुए भी समस्या में राहत मिल जाना। भी मान लीजिए अगर अभी हम मिडल ईस्ट में, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, अभी गर्मी से हम पीड़ित हो गए, और अगर हम एक ऐसे घर में आ गए जहाँ पे एयर कंडीशनिंग है, अच्छी ठंडी हवा है, तो हमको क्या मिलता है, राहत मिलती है। अभी बाहर गर्मी अभी तक है, बाहर की गर्मी गई नहीं है, पर वो घर में हम आ गए तो हमको राहत मिल जाती है। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं कि ये जग दुखों से भरा हुआ है, पर अगर आप मेरी चेतना कर मेरा स्मरण करते हो तो फिर क्या है, वो एयर कंडीशन घर में आने के समान है। अगर आप मेरा स्मरण करते हो तो आपको राहत मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको संतुष्टि मिलेगी। पर अभी अगर कोई कितनी भी बड़ी समस्या हो हमारे जीवन में, अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो समस्या भले चली जाएगी, पर समस्या की जो पकड़ है हमारे जीवन पे, हमारे मन पे, वो कम हो जाएगी, हमको शांति मिलेगी, हमको थोड़ा सुकून मिलेगा। और फिर उस सुकून से फिर हम समस्या का कैसे सामना करना है, या तो उसका सहन करना है या उसका प्रतिकार करना है, वो सब विचार बाद में कर सकते हैं, पर कम से कम तब तो हमको राहत मिल सकती है। पर जो व्यक्ति भगवान का स्मरण में लगा नहीं पाता है मन अपना, क्योंकि भौतिक चीज़ें बहुत आ सकते हैं, वो क्या, वो कैसा है, वो एयर कंडीशन कमरे के पास, घर के पास आ गया है, घर का उसने दरवाज़ा भी खोल दिया है, पर वो घर में अंदर आकर वो ठंडी का महसूस करने की जगह पे वो क्या करता है, वो घर का दरवाज़ा खोलता है पर बाहर खड़ा रहता है, भाई बाहर ठंडी हुई कि नहीं, ये गर्मी गई कि नहीं, गर्मी गई कि नहीं। अभी वो गर्मी भी जाएगी पर वो अपने समय के अनुसार जाएगी। तो कभी क्या होता है, हम भगवान का स्मरण भी करते हैं पर हम भगवान के स्मरण पे जोर नहीं है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं पर भगवान की भक्ति में जोर नहीं है, ये समस्या जा रही कि नहीं उसमें जोर है। जैसे कोई व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो गया है और फिर हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, जप में ये व्यक्ति इतना नालायक, हरे कृष्ण ये व्यक्ति ऐसे कर सकता है, कृष्ण कृष्ण अरे ये व्यक्ति, मैं इसको दिखा दूंगा, हरे हरे। तो हमारा जब जिह्वा से एक जब चल रहा है, मन से दूसरा जब चल रहा है। तो वैसे क्या होता है, कभी कभी हमारे मन इतना समस्या वाला होता है, ये कब हल होगा, कब हल होगा, कब हल होगा। अभी वो समस्या का हल भी हमें चाहिए, ज़रूरी है, पर हमें समझना है कि ग्रेटर देन द वर्ल्ड्स पावर टू हर्ट इज गॉड्स पावर टू हील। ये दुनिया में बहुत दर्द दे सकती है, पर दुनिया की दर्द देने की जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, उससे ज़्यादा भगवान की शक्ति है कि उससे हमें राहत देने की। तो इसीलिए हम जब तत्वज्ञान के आधार पर समझते हैं कि भगवान इस दुनिया से बहुत बड़े हैं, और भगवान के स्मरण से हमें ऐसी राहत मिल सकती है जिससे कि वो समस्या जो होती है वो समस्या उतनी बड़ी नहीं रहेगी। अभी हमारे जो समस्या होती है वो उनका जो एक विशेषता होती है, क्या होती है, मान लीजिए अगर कोई हम वज़न उठा रहे हैं, कोई 10 किलो वज़न उठा रहा है, और बहुत मुश्किल नहीं है, पर बहुत समय तक अगर सिर पर उठाना पड़ेगा तो थक जाएगा, पर वो 10 किलो वज़न है वो अगर मैं 10 मिनट को तक उठाऊँगा तो भी 10 किलो ही रहेगा। पर मान लीजिए वो 10 किलो में 10 मिनट उठाया, और 10 किलो में वो 10 मिनट में 20 किलो बन गया, और 10 मिनट उठाया वो 30 किलो बन गया, तो फिर अभी उठाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो हम तो साधारणतः क्या होता है, हमारी समस्याएं होती है, वो समस्याएं ऐसी होती है कि जितना हम उनके बारे में विचार करते हैं उतनी वो समस्या और बड़ी बन जाती है। अभी साधारणतया अगर वो समस्या का विचार ही नहीं करेंगे तो फिर उसका हल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो विचार तो ज़रूर करना है समस्या का, पर ऐसे नहीं है कि अगर मुझे कोई लॉरी ट्रॉली है, मुझे उसमें सामान है मेरा, उसको ढकेलना है, तो जितनी मैं शक्ति लगाऊंगा उतना वो ट्रॉली ज़्यादा दूर जाएगी। तो उसमें कैसे है, अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो लीनियर ग्राफ होगा, वो जितनी शक्ति लगाऊंगा मैं उतना वो दूर जाएगा। पर जब हम समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं तो हम जितना उस समस्या का विचार करेंगे उतना अच्छा हल ढूंढने का ऐसे नहीं होता है। जब समस्या होती है तो उस पर विचार करना ज़रूरी है, ठीक है ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। तो जितना हम विचार करते हैं धीरे 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 उतनी हमको स्पष्टता आने लगती है, अच्छा ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। पर और विचार अगर करते रहते हैं तो फिर क्या होता है, वो हम हल नहीं होता है, हम और उसमें उलझ जाते हैं। जितना हम विचार करते हैं उतनी वो समस्या और बड़ी लगने लगती है, और बड़ी लगने लगती है, और बड़ी लगने लगती है, और फिर वो व्यक्ति मायूस हो जाता है। अभी कुछ साल, शायद एक साल पहले कुछ तो भी, हाँ, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, सब अपेक्षा कर रहे थे कि भारत जीत जाएगा, और भारत हार गया, बहुत बुरी तरह से हार गया। तो उसके बाद में एक विद्यार्थी आया था बॉम्बे में मुझे मिलने को, बोला था कि ये भारत भी मैच हार गया तो 3 दिन रात तक मैं रात को मैं सो नहीं पाया। उसको बोला वो क्रिकेटर शायद सो गए, आप क्यों नहीं सो पाए। तो अभी वह भारत में था, वो क्रिकेट मैच शायद इंग्लैंड में हुई थी, जहाँ भी हुई थी। अभी क्या है, अभी वास्तव में ओके मैच हार गए, पर क्या है उसका मन उसके बारे में विचार करते जा रहा है, उसके कारण उसकी रात की नींद भी नहीं आ रही उसको। तो क्या हो गया, वो समस्या उसके लिए इतनी बड़ी हो गई है। यहाँ तक कि जब श्रीलंका वर्ल्ड कप हार गया था तो कई श्रीलंकन फैंस ने सुसाइड कर दिया, हमारी टीम हार गई इसलिए आत्महत्या कर दी। ये क्या है, इतना बड़ा समस्या को बना दिया, टीम हार गई भाई, गेम है वो, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। पर क्या है, जो मन है वो इतना खतरनाक हो सकता है कि मन समस्याओं को बहुत बड़ा बनाता है। तो इसीलिए जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ठीक है ये समस्या है, पर ये समस्या से बड़े बहुत भगवान हैं, और अगर मैं भगवान का स्मरण करूँगा शायद ये समस्या चली जाएगी, और समस्या चली भी नहीं गई तो भी मुझ में जो शक्ति है ये समस्या सहन करने की, मुझ में जो बुद्धि है ये समस्या का सामना करने की, वो बढ़ जाएगी। इसीलिए जब हम तत्वज्ञान के स्तर पर समझते हैं कि भगवान सबसे बड़े हैं, बहुत हमको ऐसे एक से भावना हमको ऐसे लगता है हाँ भगवान तो सबसे बड़े, पर क्या नहीं है समस्या बहुत बड़ी है, हमारा भाव ज़्यादा तत्वज्ञान से हमको बहुत ज़रूरी है। तत्वज्ञान से जब हम समझेंगे तो लगेगा कि कोई भी समस्या इस दुनिया में भगवान से बड़ी नहीं है। भगवद्गीता में भगवान ये दिखाते हैं तत्वज्ञान के स्तर पर और दर्शन के स्तर पर भी, वो क्या करते हैं अपना विराट रूप दिखाते हैं, और विराट रूप दिखा के अर्जुन को दिखाते हैं कि सारा जो ब्रह्मांड है मुझ में ही है, और सारे आपके शत्रु है वो भी मुझ में ही है, इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी की तरह से हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ मेरी सेवा करो। तो यह हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हो सकती है, पर मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादातरिष्यसी, यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम वो समस्या के परे जा सकते हैं। तो मैं दो पॉइंट बोलने वाला था कि कोई भी समस्या भगवान के लिए कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है, और कोई भी समस्या बहुत छोटी भी नहीं है। तो सेकंड पॉइंट में जाने के पहले किसी का कोई सवाल है अभी? Yes. Well, suppose some who are the new people who are coming in our program, self-program. Mm. So of course they have the problems, of course. Mm. But their problems are, I mean, sometimes there are so much loan is there, bank loans are there, so much, but they are
income is not that much, and that's Guan increasing. So they may be telling about Guan chanting, Guan chanting. So they are chanting, and then finally they come, what is happening? We are so many months, we are chanting, but there's no solution. Problem is as it is. So sometimes they lose the faith that is there अगर किसी को समस्या है उनका बहुत कर्जा है तो फिर अगर हम उनको बोलते हैं जब करो सब ठीक हो जाएगा जब करते हैं कुछ महीनों के लिए कुछ समस्या का हल नहीं होता तो उनका श्रद्धा चली जाती है क्या करना चाहिए क्या है कि हमें एक तरह समझना है कि मटेरियल प्रॉब्लम्स रिक्वायर मटेरियल सॉल्यूशंस भौतिक समस्या के लिए भौतिक हल चाहिए अभी हम आध्यात्मिक हल क्या होता है आध्यात्मिक हल वो होता है कि जिससे कि व्यक्ति को बुद्धि मिले कि वो भौतिक हल कैसे ढूंढे अभी इसका मतलब क्या है कि अभी भगवान ने भगवद्गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया उसके बाद में अर्जुन ने युद्ध किया कुरुक्षेत्र में और वो कुरुक्षेत्र युद्ध में वो विजयी हुए अभी कुरुक्षेत्र युद्ध में जो विजयी हुए वो भगवान वो अर्जुन और भगवान ने भगवद्गीता का ज्ञान दिया उसके आधार पे हुए या जीवन भर अर्जुन ने जो धनुर्विद्या का ज्ञान सीखा था उसके आधार पे हुए आपको क्या लगता है भगवान की कृपा वो ठीक है कृपा बात सही है पर मैं पूछ रहा हूँ कौन से ज्ञान के आधार पर वो यशस्वी हुए भगवद्गीता के ज्ञान के कि धनुर्विद्या के ज्ञान के दोनों कितने लोग कहते दोनों बहुत दो ही लोग कह रहे हैं ओके कितने लोग कहेंगे सिर्फ भगवद्गीता के आधार पर कितने लोग कहते सिर्फ धनुर्विद्या के आधार पर भगवान के एक्चुअली थैंक यू यस अभी कैसे है इसमें भगवद्गीता के ज्ञान ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया दिशा दी प्रेरणा दी और उसका जो अमल करना था वो अमल कैसे किया उन्होंने धनुर्विद्या के ज्ञान तो द मटीरियल एंड द स्पिरिचुअल आर कॉम्प्लीमेंट्री द भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों साथ में जाता है आध्यात्मिक ये भौतिक की जगह नहीं लेता है कभी कभी बहुत ही चमत्कार हो जाता है तो भी हो जाता है ऐसे पर अधिकांश रूप से अभी प्रभुपाद जी ने विश्वभर प्रचार किया तो वो एक जलदूत एक जहाज से अमेरिका गए वो हवा में उड़ते हुए चमत्कारिक पद से नहीं गए तो जो भौतिक पद्धति है और आध्यात्मिक जो चेतना है दोनों का समन्वय है तो कभी कभी अगर हम ऐसे उनको बोलते हैं कि लोगों को ऐसे बोलते हैं कि आप आध्यात्मिक भक्ति करो भौतिक समस्या का हल अपने आप आ जाएगा भाई ये अपने आप नहीं है उनको भौतिक स्तर पे भी प्रयास करना है मैं जब 20-25 साल पहले सबसे पहले मैं प्रवचन वगैरह देने लगा एक वरिष्ठ भक्त ने हमको ये कुछ मार्ग गाइडलाइन दिए थे 10 पॉइंट बताए थे कैसे आपको पब्लिक में बोलना चाहिए आखिरी पॉइंट था डिपेंड ऑन कृष्णा कि भगवान पे निर्भर रहो फिर बाद में ब्रैकेट में था डिपेंड ऑन कृष्णा बट ओनली आफ्टर यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर क्लास भगवान पे निर्भर रहो पर अपने क्लास की तैयारी करने के बाद अगर कोई कहता है कि मैं कुछ तैयारी नहीं करूंगा और भगवान पे निर्भर होकर क्लास दूंगा तो अभी वो भगवान पे निर्भरता नहीं है वो गैर जिम्मेदारी क्यों गैर जिम्मेदारी है क्योंकि हमें भी हमारी क्षमता के अनुसार प्रयास करना है तो इसीलिए भक्ति में दो चीजें हैं इसको मैं इंग्लिश में कहता हूं डिपेंडेंस ऑन कृष्णा एंड डिलीजेंस फॉर कृष्णा कि भक्ति के दो अंग है भगवान पे निर्भरता और भगवान के लिए सक्षमता भगवान के लिए हम जिम्मेदारी लेके कार्य करते हैं तो दोनों महत्वपूर्ण है अगर हम सिर्फ एक चीज पे जोर देते हैं कि सिर्फ भगवान पे निर्भर रहो तो वो भाव पर्याप्त नहीं है भी देखिए शरणागति करनी है तो शरणागति का एक प्रतीक है जब भगवान की शरण जाना है तो हम किसका स्मरण करते हैं साधारणतः कौन किसका चित्र मन में आता है भगवान की शरण जाओ पूरी तरह से निर्भर होकर शरण चले जाओ हाथ ऊपर करके शरण लो हाँ द्रौपदी हाथ होके ऊपर करके उन्होंने भगवान का शरण कर लिया ग्रहण कर लिया अभी भगवद्गीता के अंत में
अर्जुन को भगवान बोलते हैं आप मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप मेरी शरण में आ जाओ। अभी भगवान की शरण में आने के लिए क्या अर्जुन भी अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं? नहीं, अर्जुन अंत में क्या करते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, अर्जुन अपना धनुष उठा लेते हैं भगवान के लिए युद्ध करने के लिए। तो इसलिए अभी अर्जुन की भी शरणागति है, पर अर्जुन की शरणागति क्या है, भगवान के लिए युद्ध करना। द्रौपदी की शरणागति क्या है, भगवान पर निर्भर हो जाना। तो द्रौपदी की शरणागति यहाँ पे डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, अर्जुन की शरणागति है डिलीजेंस फॉर कृष्ण। तो ये दोनों जो है शरणागति के ही भाव है। इसीलिए अभी किसी को हम कोई अभी हम शायद सक्षम नहीं है लोगों को भौतिक समस्या का भौतिक हल बताने के लिए, पर उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भौतिक हल आप ढूंढो ही मत। वी शुडंट ओवर प्रोमिस, ऐसे नहीं बोलना है कि अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो बोलो तुम जब करो हाथ ठीक हो जाएगा। नहीं, आप जब करो जो दर्द है, दर्द सहन करने की शक्ति आपके और बढ़ जाएगी। जो मन अगर सिर्फ मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया ऐसे सोचेंगे तो दर्द बहुत लगेगा, पर मन कहीं और लगाएंगे तो दर्द कम लगेगा। पर साथ साथ आपको जाके डॉक्टर के पास हाथ को भी ठीक करना है। तो अगर किसी को ऐसी भौतिक समस्या हो गया, बहुत कर्जा वगैरह है, तो फिर एक भौतिक स्तर पर भी उनको प्रयास करना है। और अगर हमें कुछ हम उसमें कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ उसके लिए सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर हम किसी से उनसे कनेक्ट कर सकते हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो भौतिक स्तर पे अगर हम मदद कर सकते हैं तो मदद कर सकते हैं। तो अभी हमें भक्ति के द्वारा क्या होता है, भौतिक समस्याओं का भौतिक हल ढूंढने के लिए मन में स्पष्टता आती है, शांति आती है। ऐसे नहीं कि भक्ति करने से ही भौतिक समस्या का भौतिक हल अपने आप हो जाएगा, हमें भी प्रयास करना चाहिए। इस तरह से जब हम स्पष्ट करते हैं उनको कि आप जब करो, जब करके समस्या का हल हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम, पर और स्पष्टीकरण है तो क्या है, जब करने से वास्तव में आपको शांति और स्पष्ट बुद्धि आएगी, जिससे कि आप इसका हल ढूंढ सकते हैं। ऐसे बोलेंगे तो फिर क्या है, उनकी श्रद्धा इतनी श्रद्धा पर एक ठेस नहीं पहुँचेगी। ओके, कोई और सवाल है किसी का? Now suppose as you tell that we have to dependency, so now you told that sometime it happens that you are totally helpless. Now you are not there, problem is there, but you are trying and trying again you are trying, again you are fell. You are chanting in the morning, okay, getting up 3:30 everything, and you are, yes, you are again trying, you are trying to sort out that problem, but again fail, repeatedly unsuccess. So अगर हम कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है, हम जब भी कर रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और भौतिक स्तर पर भी समस्या का हल करने का प्रयास कर रहे हैं तो हल नहीं हो रहा है, तभी क्या करना है? तभी हमें समझना है कि कभी कभी हमारा पूर्व कर्म होता है जिससे कि हम कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जा रहे हैं। हमारे जीवन में जो परिस्थिति आती है वह केवल हमारे अभी के प्रयास से कर्म से नहीं आ रही, पूर्व कर्म से भी आती है। तो अभी पूर्व कर्म जो होता है उससे अगर कोई प्रतिकूल दिशा से प्रतिकूल समय से जा रहा है और तभी कितना भी प्रयास करिए शायद उसका हल नहीं हुआ। तो एक तरह से कैसे है कि मैं अमेरिका फ्लोरिडा में था, तो वहाँ पे मैं ये उदाहरण दिया, उसके बाद में एक भक्त ने बताया मुझे कि मुझे वास्तव में ऐसा अनुभव हुआ था। तो क्या है, अभी लीच होता है, लीच को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता है, सॉरी, जोक। अच्छा, आप मेरा जोक नहीं कर रहे हैं ना, खून चुभने वाला, हाँ, जोक झोंक, जोक ठीक है, जो खून चूसने वाला होता है। ऐसे मान लीजिए अभी वो किसी को काट रहा है, तो अभी जब काट रहा होता है तो दर्द होता है और वो भय भी लगता है, खून चूसते हुए महसूस होता है खून निकल रहा है। पर अभी कुछ ऐसे ऐसे जो कीड़े होते हैं, जोंक होते हैं, जो एक इतना उनका पकड़ होता है कि अगर उनको खींच, अभी वो लगता है एक काट रहा है मुझे खींचना चाहिए, पर अगर खींचते हैं उनका पकड़ इतना होता है कि सारा जो हमारा स्किन है वो खींच लेगा। तो तभी
अभी जब ऐसे वो खींचता है, जब वो काट रहा होता है, तब क्या करना होता है? सहन करो. मैं सहन कैसे करो, अगर खून चूस रहा है वो. पर नहीं, क्या होता है, वो भी जो उसका खून चूसने की क्षमता असीमित नहीं है. उनका अपना एक ट्यूब होता है, और जो ट्यूब भर जाएगा तो फिर वो अपने आप छोड़ देंगे, फिर ऐसे इटक दो गिर जाएगा. तो वैसे क्या होता है, हमारे जीवन में कभी कभी समस्या ये झोंक के समान आ जाती है, और हम जितना प्रयास करते हैं निकालने का, वो समस्या और बढ़ने लगती है, ऐसा और कॉम्प्लिकेट हो रही है ऐसा लगता है. क्या होता है, तो तभी हमको समझना चाहिए कि ये समस्या जो है अभी ये प्रतिकूल समय है, मैं प्रयास करते रहूँगा पर आई विल नॉट ओवर रिएक्ट. मैं प्रयास करूँगा पर मैं इससे मायूस नहीं जाऊँगा, मैं दूसरों को दोष नहीं दूंगा, सहन करूँगा. और अगर सहन कर लेते हैं तो कोई भी समस्या हमेशा नहीं रहती है इस दुनिया. हम दुनिया में कहते हैं कि सब कुछ अस्थाई है, तो उसके कारण इससे आसक्त मत हो जाओ. ये बात सही है, पर सब कुछ अस्थाई है ये कभी कभी निराशा लगता है, अरे क्या सब कुछ अस्थाई है बोलते. पर इससे ये एक तरह से आशावादी भी है, अगर सब कुछ अस्थाई है तो जीवन के समस्याएं भी अस्थाई हैं. तो इसीलिए अगर हमारे प्रयास से कुछ हल नहीं हो रहा है तो फिर तभी हम समझना चाहिए कि ये कुछ पूर्व कर्म के अनुसार आ रहा है, तो मुझे सहन करना है. और वो सहन करने की शक्ति हम भक्ति के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं. यहाँ पर कोई सवाल था किसी का? यस. अगर कोई भक्ति कर रहे हैं पर कभी कभी उनको सांस्कृतिक स्तर पर भक्ति कर रहे हैं वो, और किसी के प्रेरणा से भक्ति कर रहे हैं, पर फिर भक्तों के संग में आते हैं और ऐसे होता है कि कुछ ऐसे भक्तों का बर्ताव उनको अच्छा ही लगता है, उनको उनके ठेस पहुंचता है भावनाओं पे, वो लगता है कि मुझे भी भक्ति, मुझे इस संग में नहीं आना है, उनको भक्ति करनी है पर वो भक्तों के संग में नहीं आना चाहते, तो तभी हम उनको कैसे प्रेरणा दें कि आप भक्तों के संग में आते रहे. तो मैं अमेरिका में टेक्सास में था, और वहाँ पे अमेरिका में कुछ प्रांत है वो बहुत ही एग्रेसिवली क्रिश्चियन है, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन कहते हैं उनको, तो बहुत ज़ोरों से प्रचार करते हैं. तो वहाँ पे एक कार के बम्पर पे एक स्टिकर था, एक व्यक्ति लिखा था, ओ गॉड प्लीज सेव मी फ्रॉम योर प्रीचर्स, हे भगवान आपके प्रचारकों से आप मुझे बचाओ. अभी भगवान तो उनके प्रचारकों के द्वारा हमें बचाते हैं, पर अगर प्रचारक बहुत ही, इसको इंग्लिश में कहते हैं होलियर देन थाउ, तुम पापी हो, तुम नरक में जाने वाले हो, बहुत डराते हैं, बहुत लोगों को बुरा लगाते हैं, बुरा बोल, लोगों को ऐसे लगाते हैं कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, लोगों से अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते, तो फिर लोगों को मुझे इनसे बातचीत, इनसे कुछ करना ही नहीं है. तो क्या होता है, कभी कभी भक्तों में भी ऐसे भाव हो जाता है. तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति करना ये मेरी जिम्मेदारी है, माई स्पिरिचुअल लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मेरे जीवन में भगवान कृष्ण से संबंध जो है वह सबसे महत्वपूर्ण संबंध है मेरा, वो है. और नो वन शुड बी अलाउड टू कम बिटवीन मी एंड कृष्ण, कोई भी व्यक्ति मेरे और कृष्ण के बीच में नहीं आना चाहिए. और अभी अब क्या होता है कि एक तरह से अगर हम किसी बहुत आसक्त हो जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्त है पर वो किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध जोड़ लेते हैं भक्ति के बिल्कुल खिलाफ है, और फिर उस व्यक्ति से आसक्त होकर वो भक्ति छोड़ देते हैं,
तो फिर क्या होता है, उनको स्पष्ट रूप से लगता है कि क्या क्या हो रहा है, ये आसक्ति के कारण मैं भगवान से दूर जा रहा हूँ। और साधारणतः व्यक्ति चौकन्ना रहेगा, मैं ऐसे संबंध नहीं जोड़ना चाहता हूँ कि जो मेरे भक्ति के खिलाफ जाएगी। पर जिस तरह से आसक्ति किसी को भगवान से दूर ले जा सकती है, उसी तरह से घृणा भी व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाती है। भगवान कई बार भगवते होते राग द्वेष विमुक्त इस्तु। सो अटैचमेंट इज एन अटैक ऑफ माया एंड एवर्जन इज ऑल्सो एन अटैक ऑफ माया। कि अगर हमको आपको ऐसा किसी व्यक्ति से इतनी आसक्ति बढ़ गई है कि उसके कारण भक्ति से दूर जा रहे, तो हम समझते हैं कि माया का मुझ पर आकर्षण, माया का मुझ पर आक्रमण हो रहा है। तो किसी व्यक्ति से इतनी घृणा भी अगर हो रही है जिसके कारण मैं भगवान से दूर जा रहा हूँ, तो वो भी क्या है, मैं ये माया का ही एक आक्रमण है। तो कभी कभी हम मंदिर में आते हैं और वहाँ पे क्या होता है, किसी व्यक्ति से, किसी भक्त से हमारा झगड़ा हो गया है, तो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पर जैसे ही वो व्यक्ति का आवाज़ सुनाई देता है तो भगवान को भूल जाते, अरे यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति का स्मरण पूरा हमारे मन में भर जाता है। तो अभी क्या होता है इसमें, ये घृणा है। तो हमको देखना है कि भले ही उस व्यक्ति ने ऐसे कुछ किया है जिसके कारण मुझे उनसे घृणा हो रही है, पर क्या हो रहा है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि मैं भगवान से दूर जा रहा हूँ। तो इसलिए अगर हम ये समझते हैं कि वो व्यक्ति एक तरह से वो व्यक्ति गलत है, पर उसके परे क्या है, अगर मैं उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर मैं भक्ति छोड़ दूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। तो इसीलिए भक्तों के संग में भी हमें क्या करना है, वो भक्तों के संग को जोर देना है जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें लाइक माइंडेड डिवोटी एसोसिएशन चाहिए। लाइक माइंडेड मतलब वो भक्त जिनका और हमारी विचारधारा जुड़ती है, हमारी विचार पद्धति समान होती है। तो अभी भक्तों के संग में भी बहुत अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, सब अलग अलग पार्श्वभूमि से आए हैं, तो इसीलिए सब भक्त से हमें प्रेरणा मिलेगी ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो हमें जिससे भी प्रेरणा मिल रही है उनसे प्रेरणा लेके भक्ति करनी है, और दूसरे भक्तों से अगर हमें कुछ दर्द होता है या परेशानी होती है तो उनसे हम थोड़े दूर रख सकते हैं। कीप अ बी रिस्पेक्टफुल बट कीप अ डिस्टेंस। उनका अपमान नहीं करना है, उनके प्रति अपराध नहीं करना है, पर उनके करीब जाने की ज़रूरत नहीं, उसे थोड़े दूर रख सकते हैं। तो उसके लिए अभी कैसे करना है, यह व्यक्ति को अपनी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करनी है। इसीलिए भक्तों का संग मतलब ये केवल एक होमोजीनस नहीं है कि सब भक्त एक समान है, हर एक भक्त अपना अपना व्यक्ति है। और वही मैं पहले अस्पताल का उदाहरण दिया, तो क्या है, सब जो भक्त है एक तरह से रुग्ण है, और सब भक्त साथ साथ एक तरह से वो बीमार है, पर कुछ भक्त के साथ डॉक्टर की मदद भी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी डॉक्टर है, प्रभुपाद जी के जो वरिष्ठ भक्त है वो डॉक्टर है, और हम सब कुछ कुछ क्षमता में उनकी मदद कर रहे हैं, कोई नर्स है, कोई कंपाउंडर है, कोई असिस्टेंट डॉक्टर है। पर जब हम सब किसी की मदद भी कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हमारी बीमारी चली गई है, हमारी भी बीमारी अब तक है। तो इसीलिए क्या है, हमें ये देखना है कि मुझे, मैं एक अस्पताल में आ रहा हूँ किस लिए, कि ठीक होने के लिए, और किसी कोई और अगर रुग्ण है तो उसकी बीमारी मुझे नहीं आनी है, और उसकी बीमारी के कारण मुझे परेशान भी नहीं होना है। ठीक है, उसकी बीमारी वो है तो फिर मैं उससे दूर रहूँगा। तो कभी कभी ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको उनका शायद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आसानी से हो जाता है, खांसी सर्दी बहुत आसानी से हो जाती है। तो फिर अगर ऐसा कोई भी वातावरण यहाँ पे खांसी सर्दी हो जाएगी तो उनको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। तो फिर अभी क्या है, वो उस वातावरण में नहीं जाएंगे, तो उनकी उनको उस चौकन्ना रहना। ठीक है, सोचे अगर कोई भक्त ऐसे है जिनके साम से हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है, तो फिर उनके संग से दूर रह सकते हैं। और फिर जिन भक्तों के संग से हमें प्रेरणा मिलती है, उन भक्तों के संग में हम भक्ति कर सकते हैं। मैं एक बार एक भक्त से बात कर रहा था, एक वरिष्ठ भक्त के बारे में। तो वरिष्ठ भक्त जो थे, तो ये भक्त बोल रहा था कि ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन टू एडमायर फ्रॉम अ डिस्टेंस। बोले कि ये बहुत बहुत बढ़िया भक्त है दूर से आदर करने के लिए। मतलब उनके पास में जाओगे तो क्या होता है, शायद वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है या जो भी है। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है। तो फिर जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है उनके साथ हम उनकी प्रेरणा लेके हम भक्ति कर सकते हैं।
में क्या देखना है, मैं यहाँ पे हूँ, भगवान यहाँ पे है और यहाँ पे सब भक्त हैं, तो वही भगवान यहाँ पे जो है वो इन भक्तों के द्वारा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। तो कभी कुछ भक्तों से प्रेरणा हमें मिलती है, तो आज एक भक्त से मिल रही है, कल दूसरे भक्त से भी मिल सकती है। तो जिन भक्तों से भी मुझे प्रेरणा मिल रही है, उन भक्तों से हम भगवान की कृपा हम पे आ रही है देख सकते हैं और हमारी भक्ति बरकरार रख सकते हैं। ओके, तो मैं जो दूसरा पॉइंट था उस पर जाऊँगा। दूसरा पॉइंट क्या था? छोटी समस्या। हाँ, कोई भी समस्या भगवान के लिए इतनी छोटी नहीं है कि वो उसकी परवाह नहीं करते। तो अभी जब हम भक्ति करते हैं तो कभी हमको लगता है कि शुद्ध भक्ति करनी है। शुद्ध भक्ति करनी है मतलब मैं, मेरी कोई समस्या होगी तो भगवान से कुछ प्रार्थना नहीं करूँगा उसके बारे में, मैं निष्काम भक्ति करना चाहता हूँ। तो इसलिए ये मेरी समस्या तो इतनी छोटी है, इसके बारे में क्यों मैं भगवान के पास जाऊँ। तो ये एक तरह से भाव अच्छा है, पर ऐसे भाव से कभी कभी भक्ति का अभाव हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे लिए अगर कोई समस्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, मान लीजिए हम किसी की सेहत ख़राब है, कोई संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, मैं नौकरी नहीं हो रही है अच्छी तरह से, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो। और जब हम उसको कृत्रिम से बोलते हैं बहुत छोटी है, इसके बारे में भगवान के पास नहीं, भगवान से मैं कुछ मांगूंगा नहीं, तो फिर क्या होता है, तो वो वैसे भी चीज़ हमारे हृदय में अभी तक बहुत बड़ी जगह लेके बैठी हुई है। और जब हम बोलते हैं कि मैं इसके बारे में भगवान से पूछूंगा नहीं, तो क्या होता है, वो सारी जो जगह है वो भगवान को मिलती नहीं है। फिर हमारा भगवान से संबंध बड़ा कृत्रिम बन जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि rather than focusing on the size of the problem, we focus on the strength of our purpose. कि ये समस्या छोटी है या बड़ी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना। और अगर कोई चीज़ जिससे मेरे भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में उससे व्यत्यय आ रहा है, तो वो छोटी हो या बड़ी हो महत्वपूर्ण नहीं है, वो व्यत्यय आ रहा है वो महत्वपूर्ण है, और व्यत्यय नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हमें ये प्रार्थना नहीं कर, ये हमको भगवान की प्रार्थना करने के लिए छोड़ना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए ये समस्या बहुत छोटी है, इसके बारे में भगवान से प्रार्थना करो। ये सोचना है हमें कि भगवान से प्रार्थना करनी है इसलिए, न कि ये समस्या का हल करो। कि समस्या प्रार्थना कर सकते हैं हम कि हे भगवान, प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि सबसे अच्छी प्रार्थना क्या है भगवान से कर सके, तो प्रभुपाद जी बोले कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सदैव मुझे आपकी सेवा करने की शक्ति दो। तो अभी अगर हम ये प्रार्थना करते हैं कि अभी ये समस्या है उसके अंदर शक्ति कम हो रही है, आप कृपया मुझे शक्ति दो आपकी सेवा करने की, तो हम भगवान से प्रार्थना ये भी कर सकते हैं कि ये समस्या का आप हल कर दो, पर हमारे भक्ति का ये जोर नहीं है कि आप इसका हल कर दो। भक्ति का जोर ये है, भक्ति का स्ट्रेस ये है कि मुझे आपकी सेवा करनी है। तो अगर ये समस्या का हल हो जाएगा तो फिर मैं अच्छे से भक्ति कर और अच्छे से भक्ति कर पाऊँगा, पर ये समस्या का हल नहीं भी हुआ तो भी मैं आपकी भक्ति करते रहूँगा। तो ये क्या होता है कि कभी छोटी छोटी समस्या भी होती है, अगर उनकी अगर हम उनको सिर्फ छोटा मान के ध्यान नहीं देते हैं तो कभी उससे भी बड़ी समस्या हो सकती है। मैं अमेरिका में था, वहाँ पे एक बड़ा फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक ऐसा बड़ा वृक्ष था जो 130 साल पुराना था और बड़े बड़े तूफान आए थे और वो तूफानों से उस वृक्ष को कुछ नहीं हुआ। और एक दिन अचानक एक अच्छा वातावरण था और वो जो वृक्ष गिर गया, जैसे अभी कृष्ण और मणिपुर जो युमल अर्जुन वृक्ष थे अचानक गिर गए, सब चौकने हो कैसे गिर गया ये, तो ऐसे ही वो वृक्ष एकाएक गिर गया। और फिर उन्हें संशोधन किया तो क्या हुआ था, वो वृक्ष के अंदर सब चींटियाँ चली गई थी, टर्माइट जो होते। तो अभी अभी चींटियाँ तो इतनी छोटी सी है पर गुलमक क्या दीमक तो जो दीमक होते हैं, तो वह उसके कारण वो तो इतनी छोटी होती है, पर इतनी छोटी सी उसकी चींटियों के कारण वह पूरा बड़ा विशाल वृक्ष गिर गया। वैसे तो क्या होता है, कभी कभी हमारे जीवन में छोटी समस्या होती है, पर वो छोटी समस्या अगर हम उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं तो हमको मन में खाते रहती है। और फिर उससे कोई व्यक्ति अचानक वो क्या होता है, ऐसा लगता है पूरा वो डिप्रेस हो जाता है, हताश हो जाता है,
कुछ कर नहीं पाता है. और छोटी समस्या जो होती है क्या है कि हमें उसका ऐसे नहीं है कि छोटी समस्या ध्यान न दो उसको. छोटा घाव होता है कभी ध्यान नहीं दे तो बड़ा हो सकता है. छोटी समस्या ध्यान नहीं दे उसको बड़ी हो सकती है. तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि भगवान उसकी परवाह नहीं करते. तो हमें देखना क्या है कि अगर किसी भी तरह से ये न केन प्रकार न मना कृष्ण निवेशित, किसी भी तरह से अगर मेरा भगवान में मन लग रहा है तो वो अच्छी बात है. तो अगर भले ही छोटी सी समस्या है पर उससे मैं परेशान हो रहा हूँ और उसके कारण अगर मुझे लगता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो भगवान से प्रार्थना करना ये बहुत अच्छा ही है. तो हमें भगवान से प्रार्थना इसलिए नहीं करनी है कि ये समस्या का हल करते, वो भी कर सकते पर वो जोर नहीं देना है कि भगवान मुझे आपकी सेवा करने की शक्ति दो. ये इस समस्या के कारण मेरी शक्ति है, मेरा उत्साह है वो कम हो रहा है, तो कृपया ये शक्ति मुझे वापस दो. तो ऐसे जब प्रार्थना करते हैं तो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो अगर दोनों के द्वारा अगर हम भगवान की स्मृति और कर रहे हैं तो वो अनुकूल ही है. ये नहीं सोचना है कि समस्या इतनी छोटी इसके बारे में क्यों परवाह करूँ, नहीं. छोटी भी हो भगवान अनोरणियाम समनुस्मरेद्य, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सबसे छोटी चीज़ से भगवान छोटे, महतो महियान अनोरणियान. सबसे बड़ी चीज़ से भगवान सबसे बड़े हैं और सबसे छोटी चीज़ से भी भगवान सबसे छोटे हैं. तो भगवान हमारी छोटी सी भावना है वो भी जानते हैं, छोटी सी सर पे हमारी भावना को छेद हुआ है वो भी भगवान जानते हैं. तो इसीलिए हाँ, कोई भी समस्या क्यों ना हो अगर वो हमें भगवान का स्मरण करने में लगाती है तो वो अच्छी बात है. और इस तरह से जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान के स्मरण में लगते हैं, तो हम देखें कि धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी चेतना भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर जाएगी. और भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर चेतना जाना इसका मतलब क्या है ये समझा के फिर मैं इस प्रवचन को अंत करता हूँ. कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में होता है ऐसे नहीं कि वो भौतिक चीज़ों को भूल जाता है, भौतिक चीज़ों का भी ध्यान होता है, पर भौतिक चीज़ों का जो ध्यान होता है वह चेतना के केंद्र में नहीं रहता है. कि मान लीजिए कोई पहले बार किसी के सामने पब्लिक स्पीकिंग करता है, कोई 10-15 लोगों के सामने कुछ बोलता है, तो उसको तभी क्या होता है लोगों को कहते हैं स्टेज फ्राइट होता है. स्टेज फ्राइट सबके लोग सामने आते हैं, वो साधारणतः लोग आराम से बात करते हैं पर वो स्टेज पे आ गए, मंच पे आ गए तो बोलती बंद हो जाती है, डरने लगते हैं. तो अभी क्या होता है उस समय मैं कहाँ हूँ उसकी बहुत ज़्यादा चेतना रहती, अरे मैं मंच पे सबके सामने हूँ और मैं क्या बोलना है भूल जाते हैं. तो उसमें क्या हो गया है कि एक चीज़ है हमारे चेतना में फोरग्राउंड में वो प्रधान है और दूसरी एक चीज़ है बैकग्राउंड में, क्या बोलना है वो पीछे चला गया और मैं कहाँ हूँ वो बहुत केंद्र में आ गया. तो जब वो कहाँ हो बहुत केंद्र में आ जाता है तो क्या होता है फिर हम बोलने की शक्ति कम हो जाती है. पर कोई व्यक्ति अगर उन्हें बहुत समय तक बहुत बार पब्लिक में बोला हुआ है, 100, 200, 1000 बार बोला हुआ है, तो फिर क्या होता है वो जब कहाँ आए हैं उसका ज्ञान होता है पर वह पूरा चेतना के केंद्र में नहीं होता है. चेतना का केंद्र क्या होता है, मैं क्या बोलने वाला हूँ. और जब हम उसी तरह क्या होता है हमारे लिए जीवन में भौतिक है आध्यात्मिक है. आध्यात्मिक मतलब हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं. भौतिक क्या, अच्छा ये परिस्थिति है, मेरा घर है, ये मेरा नौकरी है, ये मंदिर है, यहाँ मैं ये कार्य कर रहा हूँ. तो शुरुआत में जब होता है तो जो बाह्य चीज़ जो होती है भौतिक परिस्थिति होती है वह हमारी चेतना के केंद्र में रहती है. पर जैसे हम प्रगति करते हैं, जैसे हम और शुद्ध होते जाते हैं, तो मैं कहाँ हूँ ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. आवर सिचुएशन डजंट रिमेन एज इम्पॉर्टेंट एज आवर इंटेंशन, कि मैं किस उद्देश्य से कार्य कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण जाता है. और फिर उसके द्वारा क्या होता है, कहीं भी हो हम भगवान की चेतना में रहते हैं. और भगवान की चेतना में रहते हैं तो क्या होता है कि ये समस्या है, समस्या नहीं है, पर मैं हमेशा भगवान का सेवक हूँ. और वो भाव जब रहेगा तो फिर कोई भी समस्या हमें दबाती नहीं है.
क्या होता है, अगर मान लीजिए एक सागर, एक नदी है, उसको सागर के पास जाना है, तो अभी एक मार्ग है नदी को सागर के पास जाने के लिए, पर वो मार्ग बंद हो गया, तो फिर नदी क्या करती है, बाजू से दूसरा मार्ग निकाल लेती है, ये मार्ग नहीं है तो ये मार्ग निकाल लेती है। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम, हमारी चेतना वो है एक नदी के समान है, भगवान वो सागर के समान है। जो मायावादी होते हैं वो सुधार को इसलिए देते हैं कि जो बूंद है सागर में मिल जाएगा और लीन हो जाएगा, पर भक्त जो होते हैं वही उदाहरण लेते हैं, पर उदाहरण इसलिए लेते हैं कि जैसे जैसे नदी जो होती है हमेशा सागर को जाते रहती है, जैसे हमारी चेतना सदैव सागर को जाते रहे, तो ई में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहता अद्धा गंगे वमुदरती, जैसे गंगा हमेशा सागर को जाते रहती है। हे प्रभु, कुंती महारानी कहती है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 32वें श्लोक में, 42वें श्लोक में, कि सदैव मेरी चेतना आपकी ओर जाते रहे। तो अभी क्या होता है, जब हम किसी चीज़ से बहुत आसक्त होते हैं तो फिर वो हमारी चेतना के लिए एक ही मार्ग बन जाता है, और वो मार्ग बंद हो गया तो फिर वो चेतना बंद हो गई, वहाँ कुछ है ही नहीं करने के लिए। पर जब हम समझते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो क्या होता है कि हमारी चेतना के लिए अनेक मार्ग है, ठीक है, ये नहीं कर पाए ये कर लूँगा, ये नहीं कर पाए ये कर लूँगा, तो एक रास्ता बंद भी हो गया, चेतना को दूसरा मार्ग मिल जाता है। तो और उस तरह से क्या होता है, समस्या होती भी है पर समस्या हमें जकड़ नहीं देती है, बंद नहीं करती, ठीक है, ये मार्ग, ये मेरे जीवन नहीं हो रहा है, इसको मैं सहन कर लूँगा और बाकी मैं करते रहूँगा मेरे जीवन में। और उस तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान से संबंध जोड़ने का मौका हमेशा मेरे पास है, इसलिए मैं इस तरह से अगर मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह से नहीं हो रहा है, तो मैं इस तरह से करूँगा, इस तरह से करूँगा, और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो वॉट एवर कर्मा में गेट अस टू, कृष्णा विल गेट अस थ्रू। वॉट कर्म के कारण जो भी परिस्थिति में हम आएंगे, भगवान हमें उसके परे ले जा सकते हैं, भगवान ज़रूर उसके परे हमें ले जाएंगे। ये श्रद्धा से हम भक्ति हमेशा करेंगे तो ये जो भगवान ने बताया, मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, आप मेरे प्रसाद के द्वारा सब समस्याओं के परे जाओगे, इसका हमें हमारे जीवन में एक जीवंत पद्धति से अनुभव होते रहेगा, साक्षात्कार होते रहेगा, और हम हमारे जीवन में अग्रसर रहेंगे। तो सारांश में ने भी चर्चा की किस तरह से भगवान के लिए कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है और कोई समस्या बहुत छोटी भी नहीं है। हम साधारणतः हमारे जीवन समस्या होती है इनका हम हल नहीं कर पाते तो भगवान के पास प्रार्थना करने जाते हैं, पर अगर वो करते समय भी अगर हमारे केंद्र हमारी चेतना समस्या पर रह रही है, भगवान पर नहीं रह रही है, तो क्या होता है, हमारी भक्ति अस्थिर रहेगी और समस्या का हल नहीं हो रहा तो हम उसे भक्ति छोड़ देंगे। तो इसे मैंने वो ज्यूश रबाय के बारे में बताया और सोचा था कि भगवान के पास शक्ति नहीं है समस्या का हल करने के लिए, इसलिए अगर समस्या आ रही है तो भगवान को माफ़ कर दो भी आप। तो अभी भाव क्या है, मतलब ये दुनिया को भगवान से बड़ा बना दिया, और वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से हम आसक्त होते हैं वो चीज़ हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। जैसे इंद्र भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो हिरण्यकशिपु डर रहे थे, पर जो प्रहलाद को बहुत चीज़ से आसक्ति नहीं थी इसलिए हिरण्यकशिपु के डर के कारण भक्ति उन्हें छोड़ी नहीं। तो अभी हमें क्या तत्व ज्ञान के आधार पर समझना है कि भगवान इस दुनिया से बहुत बड़े हैं, और ये दुनिया में समस्या भी आएगी तो भी भगवान क्या है, एक परम डॉक्टर के समान है। उस तरह से आप देखेंगे समस्या अगर आएगी भी, अगर हमें तत्व ज्ञान नहीं है, ऐसे सांस्कृतिक स्तर पर भक्ति कर रहे हैं तो क्या होगा, भक्ति छोड़ देंगे, पर हम बौद्धिक स्तर पर समझते हैं तो क्या देखेगा हमें कि भगवान ने हमारे जीवन में समस्या आएगी तो हम देखें भगवान शास्त्र में जो बताया जग दुखालय है वो सत्य है, तो शास्त्र में हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। और शास्त्र हमें ये भी बताते हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति करो आप समस्याओं के परे आ सकते हो। और फिर ये दुनिया जो है एक अस्पताल के समान है, दुख तो है इसमें पर दुख देना ये अस्पताल का उपदेश नहीं है। उसी तरह से इस दुनिया में दुख है, जैसे अस्पताल में दुखों से दर्द का राहत के लिए मार्ग होता है, वैसे इस दुनिया में धर्म और भक्ति ये समस्याओं के पर जाने का मार्ग है। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो भले ही समस्या चली जाएगी पर हमारे अंदर में शांति और बुद्धि आ जाएगी, इससे समस्या का हम सामना कर सकें। से
अगर कोई बहुत गर्मी है तो गर्मी चली जाएगी, पर अगर हम एयर कंडीशन कमरे में आ जाएंगे तो हमको राहत मिलती है। तो भगवान का स्मरण करना मतलब हमारी चेतना को एक एयर कंडीशन कमरे में लाने के समान है। तो हमारे जीवन में समस्या जो है वो जितना हम उनका विचार करते हैं उतनी वो बड़ी होने लगती है। ये ऐसा वजन है जितना हम उठाएंगे वो और बढ़ाव बढ़ जाएगा। तो इसलिए कभी कभी उस वजन को बाजू को रख देना है। हमारी समस्या हो भी तो समस्या का और विचार करेंगे तो वो समस्या और बढ़ी हो जाएगी। तो समस्या का विचार छोड़ के भगवान का चिंतन करो, और जब भगवान का चिंतन करेंगे तो फिर बाद में हम वो समस्या का सामना कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक चीज़ से भले ही भौतिक समस्या का अपने आप हल ना हो जाए, पर हमें भौतिक स्तर पर कैसे उसका हल करना है उसकी बुद्धि मिल सकती है। और फिर हम देखा कि कोई भी समस्या इतनी छोटी भी नहीं कि भगवान उसकी परवाह नहीं करते। मतलब हमारे जीवन में अगर छोटी छोटी समस्या हमें बहुत परेशान कर रही है तो फिर हम उसको लेके एक उद्देश्य बना के, एक कारण बना के हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि न कि इस समस्या का हल कर दो, पर कि मुझे आपकी शक्ति, आपकी सेवा करने की शक्ति दो। और इस परिस्थिति के कारण, इस समस्या के कारण मुझे आपकी शक्ति नहीं मिल रही है, शक्ति कम हो रही है, तो कृपया या तो आप ये समस्या निकालो या मेरी शक्ति पुनः बरकरार करो। इस तरह से जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो फिर हम देखेंगे कि हमें अंदर अंदर से हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। और ये दुनिया में समस्या एक तूफान के समान है या एक झोंक के समान है, जो काटेंगे, जो परेशान करेंगे, पर पीड़ा हमेशा के लिए नहीं है, आएगी और जाएगी। पर वो समस्या के कारण अगर हमारे भगवान की स्मृति बढ़ जाएगी तो उसमें क्या है, एक शाश्वत हमारे फायदा है। भगवान की स्मृति बढ़ेगी, भगवान की भक्ति बढ़ेगी और भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बैग यहाँ पर, जस्ट टेक इट आउट। तो प्रभुपाद जी ने अपने अनुयायी